हेलो फ्रेंड्स, मैं काकुली कर्मकार। मेरे यूट्यूब चैनल निमलेस के में आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपसे न्यूरोलॉजी मीनिंग इन हिंदी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो चलिए जानते हैं न्यूरोलॉजी का मतलब क्या होता है या न्यूरोलॉजी का हिंदी में अर्थ क्या है। तो न्यूरोलॉजी मतलब तंत्रिका विज्ञान या स्नायु शास्त्र। तो न्यूरोलॉजी का मीनिंग यही होता है कि तंत्रिका तंत्र के रोगों से संबंधित चिकित्सीय विज्ञान का क्षेत्र है न्यूरोलॉजी। तो अगर डिटेल्स में बोले तो न्यूरोलॉजी चिकित्सा की वो शाखा है जो कि तंत्रिका तंत्र से जुड़ी सभी प्रकार की स्थितियों और बीमारियों के निदान और उपचार से संबंधित है, जिसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और परिधीय तंत्रिकाएं यानी कि पेरिफेरल नर्व, मांसपेशियां शामिल है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी न्यूरोलॉजी का मीनिंग क्या है हिंदी में। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है, मैं इंग्लिश में भी आपसे एक बार बोल देती हूँ। न्यूरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कंडीशन एंड डिजीजेज इन्वॉल्विंग द नर्वस सिस्टम, इंक्लूड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स एंड मसल्स। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा न्यूरोलॉजी का मीनिंग क्या है हिंदी में। अगर न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल समस्या क्या क्या है और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के लक्षण क्या क्या, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारा न्यूरोलॉजी के संबंधित वीडियो है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।